गौरव, my name is Amarjot Singh. I'm talking to you from Edmonton. आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से जुड़े हुए मेरे साथ? सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ. मुंबई से बोल रहे हैं. बताएं आपके क्या जनरल सवाल क्या हैं, क्या किसके बारे में पूछना है? सर मेरा रिसेंटली शादी हुआ था. मेरी वाइफ अभी कनाडा में है फॉर स्टडी वीज़ा, और हम लोग ने केस अपना रजिस्टर किया था थ्रू इमिग्रेशन लॉयर, जो रिफ्यूज़ हो गया अंडर सेक्शन 205C2. सो मैंने जी सब नोट मंगाया, सब मंगाया, तो उसमें यही आया कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर मैरिज, एंड दूसरा था कि माय वाइफ डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ लाइक स्टूडेंट. ठीक है. बट द थिंग वाज दैट कि हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट फाइल किया था तो ऐसा था कि उसमें मेरी वाइफ का ओनली कॉलेज की आईडी, ही सिर्फ फाइल हुआ था, बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इतना फाइल नहीं हुआ था, और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, बाकी और कुछ था नहीं, और उसकी वजह से कुछ इतना ये नहीं हुआ, तो उस पर रिफ्यूज़ल लग गया. हम लोग की शादी के जस्ट एक मंथ बाद मेरी वाइफ कनाडा चली गई. इमिग्रेशन लॉयर, उनका आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इमिग्रेशन लॉयर कनाडा में है, कनाडा में ही है. तो अब इमिग्रेशन लॉयर ने क्या कहा आपसे, अब वो क्या कह रहे हैं? पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लगाए उन्होंने? सर ऐसा है कि मेरी शादी हुए, हम लोग शादी से पहले रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से थे, और ऑल ऑफ सडन हम लोग ने घर पे बताया तो घर वाले एग्री हो गए, तो शादी के लिए ऑलमोस्ट जस्ट विदिन अ मंथ हम लोग की शादी हुई, एंगेजमेंट ये सब कुछ हुआ. तो लॉयर ने बोला कि आपको जस्ट मैरिज सर्टिफिकेट डालना है, बाकी कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, और जो वाइफ का डॉक्यूमेंट चाहिए का वो रहेगा, और जस्ट इनकम शो करना है जो $3,000 के आसपास रहनी चाहिए आपके अकाउंट में बैलेंस. या मेरे को लगता है कि इमिग्रेशन लॉयर जिनका जो भी थे उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, स्पेशली इंडिया से, थोड़ा सा ऐसा लगता है. और जो जो बातें उन्होंने आपको बताई ये बहुत ही कम है, इनसफिशेंट है. इस वक्त स्पाउस वीज़ा जो इंडिया से अप्रूव होते हैं उनमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें काफ़ी होते हैं. बहरहाल मैं पूछ सकता हूं कि उन्होंने आपसे कितने पैसे चार्ज करे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए? वीज़ा को अप्लाई करने के लिए $1,000 प्लस ये फीस. तो $1,000 जो अप्लाई करे, जो आपकी अप्लाई करी एप्लीकेशन, वो $1,000 गए. अब वापस तो नहीं करने उन्होंने $1,000? नहीं, वो बोल रही कि पहले बोलने कि आपको फीस भरना पड़ेगा, फिर बाद में, फिर राइट नाउ शी इज टेलिंग कि आपको एप्लीकेशन फीस भरना है, बाकी मैं ऐसे फ्री में लगा के दे दूंगी. या ये ऐसे ही होता है कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए. एक बार $1,000 में एप्लीकेशन लग गई, एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, अब रोना शुरू हो गया. अब ये उनसे पूछे और आप अपने से पूछे कि जो आपको वीज़ा नहीं लगा और अभी आप अपने वाइफ के पास नहीं जा सके, ये जो टाइम का जो खर्च हुआ है, हर्जाना हुआ, इसकी हर्जाना कौन देगा? इट्स ओके. सो आपका मेरे से सवाल क्या है, क्या सवाल है? आप उस सवाल पे आए हैं, आप क्या सवाल है कि क्या कैसे है राइट ना? मुझे फिर से एप्लीकेशन के बारे में, देखिए अभी कोरोना वायरस 6 साल हुआ, तो अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो मैं अब भी अप्लाई कर सकता हूँ. पहला सवाल तो मेरा ये है. तो एक एक करके वन बाय वन सवाल पे आते हैं. जहाँ तक कोरोना वायरस का सवाल है, कोरोना वायरस करके थोड़ा सा रुकावट है हर जगह एप्लीकेशंस में, लेकिन आप अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और पूरे हैं तो अपनी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपकी एप्लीकेशन क्यू में आ जाएगी. आपको कुछ महीने तक, जब तक कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन हटता नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है. तो पहला तो क्वेश्चन का जवाब ये हुआ. दूसरा सवाल, क्योंकि मेरी लॉयर बोल रही थी कि अब भी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द वीजा एंड ऑल, तो वही था. फिर मैंने, और दूसरा सवाल ये है डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन में सर अभी हमारे प्रीवियस रिलेशनशिप के फोटोज हैं अराउंड, वो फोटोज रहेंगे. उसके बारे में मैं 2 मिनट लेके आपको बता देता हूँ. या तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो या तो नोट कर लो कागज से, थोड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा. अगर आपकी लव मैरिज है तो जब से आप अपने वाइफ से मिले हैं तब से लेकर एंगेजमेंट अगर आपकी हुई है, नहीं हुई है, शादी तक, जितने भी आपके जो प्रूफ ऑफ कांटेक्ट है, जैसे चैट हिस्ट्री है, घूमने गए हैं एक दूसरे के साथ, कोई फ़ोटो खिंचाई हैं या कोई गिफ्ट दिए हैं एक दूसरे को, इन सब का प्रूफ चाहिए. प्रूफ मतलब आपको फिजिकल उसके फोटोकॉपी चाहिए, उसका अगर ट्रैवल वगैरह किया है तो उसकी रिसीट्स वगैरह चाहिए, जो ट्रैवल की आइटनरीज वगैरह ये चाहिए। शादी अगर हुई है तो शादी में सेरेमनीज़ की फ़ोटोज़ चाहिए, सेरेमनीज़ में कितने लोग आए, कहाँ पर शादी हुई है, उसका वेन्यू का वो सारा चाहिए। शादी में कौन कौन आए हैं, जितने भी की मेंबर्स हैं जैसे फैमिली के वो हैं अगर वो इन्वॉल्व हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। शादी की पूरी सेरेमनी की रिलीजियस जो सेरेमनी अगर हुई है उसकी पूरी फ़ोटोग्राफ चाहिए। शादी के बाद अगर आप हनीमून गए हैं तो हनीमून के प्रूफ चाहिए, हनीमून की आइटनरी चाहिए, हनीमून के फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। हनीमून के बाद अगर लड़की अपने ससुराल में रही है तो वहाँ पर रहने का प्रूफ चाहिए, कितने दिन रही है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ हुई हैं, अपने इन लॉज के साथ कैसे वो उनकी एक्टिविटीज़ जॉइंट हुई हैं, इसके प्रूफ चाहिए। तो ये सारे प्रूफ आपके शादी के लिए लगेंगे। इसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। और अगर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में अगर तसल्ली नहीं होती है वीज़ा ऑफिसर की तो वो आपका केस रिफ्यूज़ कर देते हैं और जनरली 205C2 का एक सेक्शन लगा के आपको रिफ्यूज़ हो जाता है ये। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। और आपने कहा कि आपकी वाइफ शादी के कितने दिन बाद कनाडा गई? सर वो शादी के ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद गई। कितने दिन बाद? 45 डेज। तो 45 डेज का जितना भी आप साथ रहे हैं तो उसका वो प्रूफ चाहिए। और उसके बाद फिर जब वो गई है वहाँ पर कनाडा में, कनाडा से आपकी जो कांटेक्ट वगैरह चल रही होगी, चैट हिस्ट्री चाहिए, वो आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा। मोस्टली सर हम लोग वीडियो पे बात करते हैं तो ज़्यादा चैटिंग से ज़्यादा वीडियो पे रहता है बात। वो अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट लगाएं। ओके। और इसके बाद सर ये भी है कि मेरी वाइफ फिर ये अपना क्या बोले क्रिसमस वेकेशन में यहाँ पे 25 दिन के लिए आई थी। हाँ, वो भी एडिशनल जो अगर दोबारा से आई हैं तो उसका भी प्रूफ चाहिए पड़ेगा कि कितना दिन रही यहाँ पर, क्या क्या एक्टिविटीज़ की। रहन आना बात अलग है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी ये सब उसके प्रूफ चाहिए होता है। तो टिपिकली लोग फोटोग्राफ ज़्यादा खींचते नहीं, ज़्यादा नहीं खींचते। तो मैं आपको इनक्रेज करता हूँ एप्लीकेंट्स को कि ज़्यादा ज़्यादा फ़ोटो खींचे। मतलब कि अगर वो 25 दिन रही हैं तो 25 दिन में मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 500 फोटोग्राफ्स तो होनी चाहिए। ओके। और सर फिर वाइफ के साइड से क्या क्या डॉक्यूमेंट सभी चाहिए एप्लीकेशन डालना रहेगा, उस पर भी आ जाते हैं। वाइफ की तरफ से जहाँ वो पढ़ रही है उसका एक लेटर ऑफ एनरोलमेंट चाहिए, जो वो क्लासेस अटेंड कर रही है, अटेंडेंस के एक प्रूफ चाहिए कि कितनी क्लासेस अटेंड कर रही है, कितनी उसके जो ट्रांसक्रिप्ट्स अभी जो चल रहे हैं पिछले या अभी के जो वो कितने उसके GPA वगैरह आ चुका है वो चाहिए। कहाँ पर रह रही है उसका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस मैं ज़रूर लगाता हूँ। और उसके पास कितने पैसे हैं उसके बैंक अकाउंट में इन कनाडा वो चाहिए। ओके। और मेरे साइड से सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे? मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर, एक्चुअली मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी मेरा सिर्फ मास्टर की डिग्री ऐड किया हुआ है वहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ, हस्बैंड की तरफ से आपकी तरफ से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। आपके पास एजुकेशन है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पाउस वीज़ा में। आपकी तरफ से हमें चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, क्या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका प्रूफ चाहिए। और आपके फंड्स चाहिए। सर फंड्स अराउंड कितने रहने चाहिए? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी आप क्या जॉब करते हैं आप? सर मेरा जॉब एज अ फ्रीलांसर भी हूँ, मैं फिटनेस कोच ये सब हूँ कॉलेजेस में ये सब में। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, ITR फाइल किया पिछले साल? सर ITR, हाँ ITR फाइल किया मैंने। ITR में 385 दिखाया हूँ मैंने, 3,85,000 के आसपास का। तो कितने साल से? अभी करंट आई 3-4 साल के ऊपर से। 3-4 साल से। अगर आपने 4.25 लाख अगर इनकम दिखाई है साल की तो आपके पास जो अपने सेविंग्स अकाउंट है कम से कम मैं समझता हूँ कि 4 से 5 लाख रुपए आपके पास सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए। ओके। और अभी जैसे अभी ये जो साल का ITR में फाइल कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 5,50,000 के आसपास का है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास करीब बिटवीन 4.5 या 5 लाख रुपए आपके पास सेविंग्स अकाउंट में कैश, FD नहीं बात कर रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट में रियल कैश होने चाहिए। और ये पुराने फंड्स होने चाहिए, डैट मीन्स के पिछले 12 महीने से आपके पास ये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। और वो सर बैलेंस अभी अगर मेंटेन नहीं है क्योंकि बीच में रिसेंटली शादी हुई है सब हुई तो इसमें खर्चे हो रहेंगे तो अभी कुछ बस फिर वेट कर दो, अभी मत लगाओ। फिर अभी आप लगाओ मत, जब तक आपके पास ये बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। मिनिमम मैं प्रेफर करता हूँ 12 महीने, लेकिन मिनिमम 6 महीने अगर आपके पास नहीं है तो वीज़ा लगने के चांसेस नहीं है। फिर उन्होंने और आपके बेस पे रिफ्यूज़ कर देना। नहीं, पैसे तो पैसे मेरे पास हैं, बट अभी बोलते जो अभी जो करंट में आ रहे वो आ रहे हैं। अभी जैसे मेरे अकाउंट में अराउंड 2 पॉइंट समथिंग के आसपास है, तो उसके बाद अभी जैसे करंट में आ रहे हैं और मुझे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आती है कैश में आती है। एज अ फ्रीलांसर ट्रेडर जो हूँ उसमें मुझे कैश में पेमेंट आता है, तो ऐसा वो मैं दिखा सकता हूँ कि कैश पेमेंट आ रहा है या फिर मैं सर जी एविडेंस चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, छोटे शॉर्ट में बता देता हूँ, हर एक चीज़ का एविडेंस चाहिए। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास रसीद है, आपके जो क्लाइंट्स वगैरह जो है वो उनकी कोई रसीद है, कोई इनवॉइस टेस्टिमोनियल है, ये कहाँ से आ रहे हैं। और वो पैसे हम प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन डिपॉजिट हों या चेक से डिपॉजिट हों, और वो हर एक महीने एक स्टेबल एक कंसिस्टेंट बैंक हिस्ट्री दिखे। तो ये एक परफेक्ट एप्लीकेशन की निशानी है कि जितने भी पैसे आ रहे हैं वो पुराने पैसे हैं, और उसमें जो डिपॉजिट हो रहा है वो उसका डिपॉजिट की एक हिस्ट्री बन रही है। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार हमने इकट्ठे 5 लाख जमा करा दिए और बाकी महीने कुछ नहीं कराए। तो हर एक महीने थोड़े थोड़े जमा हो रहे हैं, और थोड़े थोड़े जमा करके इनके बाद एक हमारी बैंक हिस्ट्री बन रही है, 4-5 लाख की सॉलिड बैंक हिस्ट्री पुराने फंड्स की बन रही है। दैट इज़ दी परफेक्ट एप्लीकेशन। क्योंकि सर मुझे फंड का लेके यही है कि फंड अगेन की फंड में मेरे जो फंडिंग से आते हैं मोस्टली, अगर मेरे जितने भी फंडिंग्स है अभी जैसे अभी भी मेरे फंडिंग अभी कोविड-19 की वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है। कितने टाइमिंग उसमें बंद है, तो मुझे सिर्फ एक ही जगह से चेक में पेमेंट आता है, बाकी जो पेमेंट्स आते हैं अभी मेरे हॉल्ट पे हैं। मैंने आपका लास्ट वीडियो कहीं पे तो देखा था जहाँ पे आपने बोला था सोर्सेज ऑफ फंड में अगर आप फैमिली से बोरो करके भी दिखा सकते हैं, वैसे से भी दिखा सकते हैं गिफ्ट, तो पॉसिबल रहेगा। वो एक लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके माँ बाप अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, आपको या आपकी वाइफ को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। वो तो ठीक है किसने गिफ्ट दिया कुछ दिया, वो दैट इज़ अ एक्स्ट्रा थिंग। अगर आप जस्टिफाई करते हो और बैंक अकाउंट में शो कर रहा है एज ए चेक के हुआ है, इट कैन बी कंसिडर्ड, व्हाई नॉट। क्योंकि मेरे पास अभी मेरी कंपनी से जहाँ जहाँ से पेमेंट अटके अगर वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेमेंट ऐसे हैं कि कैश में जो चेक में आते हैं, कभी कभी जैसे कोई क्लाइंट्स आता है तो एज अ मीडियम कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें, तो वो भी एज अ वर्कशॉप जो चेक में आता है, एंड दे कैन बी लाइक दे कैन प्रोवाइड मी द डील्स एंड एवरीथिंग कि कहाँ क्यों आया और डिडक्शन प्रॉपर सब कुछ रहता है उसका। कोई बात नहीं, तो आप अपना ये थोड़ा सा मेंटेन करो, थोड़ा सा कुछ महीने ला के अपनी बैंक का स्टेटमेंट को बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, तब जाके अप्लाई करना। ओके, और इसमें कुछ और कुछ करना है सर कि बस इतना ही रहेगा? दैट्स इट प्रीटी मच, दैट्स इट। और तो कुछ इसमें कुछ है नहीं। आपकी जैसे हमने वो जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बताया उस पर अगर उसको लेकर पहले से उन्होंने आपको गौर कर दिया है कि आपके वो जेन्युइननेस में उन्होंने प्रॉब्लम कर दी है, तो जो पहले बताया मैंने उसको आप उसको प्रॉपर करो। और सर एक और डाउट था, अगर ये जैसे बोलते कि मैंने जैसे ये जीएसएम नोट मंगाया, मैंने अपना खुद का जीएसएम नोट मंगाया था, तो उसमें जीएसएम नोट में एक सेक्शंस रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि वहाँ पे एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ आपको। वहाँ पे जैसे ये क्रिएटेड बाय रहता है, उसमें डेट जैसे 2014 दिया है, 2017 दिया हो, वो डेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? आई डोंट नो, दे मे हैव मिक्स्ड अप विद सम अदर रिकॉर्ड। आपका ये पहली बार अप्लाई किया वीजा आपने? कितनी बार पहली बार ऑल ओवर। कई बार गलतियां होती हैं, आई डोंट नो कि व्हाई वुड दे वुड गो एज फार एज दिस। कई बार मैंने कई एक जीसीएमएस नोट्स देखे हैं, उन्होंने किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी है, और विच आई डोंट नो व्हाई दे वुड क्रिएट मिस्टेक, बट आई थिंक यू कैन जस्ट इग्नोर दोस रेफरेंसेस टू 2017। सर इसमें ऐसा रिफ्यूजल लेटर डिटेल्स, रिफ्यूजल डिटेल लेटर डिटेल 1 क्रिएटेड डेट 2017 5/24। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, जस्ट इग्नोर। ओके, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सर वीजा के लिए कहीं के भी वीजा के लिए अप्लाई करूं, उसके पहले मैं कहीं पे अप्लाई नहीं किया हूं, और ये सब है। और एक और था सर क्रिमिनलिटी में जो क्रिमिनलिटी का सेक्शन जो आता है ना, वहाँ पे जस्ट एक नंबर 1 दिया और सब बाकी सब में मैं पास दिखा रहा हूँ और कुछ ऐसा है नहीं, तो उसका मतलब क्या है? आई हैव नो आइडिया। अगर क्रिमिनलिटी का वो उसमें अगर आपका कोई रिकॉर्ड होता किसी और कंट्री तो उसमें शो कर देते, अगर नहीं है तो छोड़ दो, इग्नोर। आपका तो कोई किसी कंट्री का कुछ नहीं, मेरा प्रोफाइल इसलिए ऐसा है कि मैं ऐसा यहाँ पे सब गवर्नमेंट लोग के साथ ही काम करता हूँ, ऐसा स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो ये सब तो मैं वेरिफिकेशन बार बार होते रहता है, कुछ है नहीं क्रिमिनलिटी भी नहीं, कोई सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको वरी करने की जरूरत नहीं फिर ठीक है सर चलेगा। तो सर वही है कि बस इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन से फंडिंग का मुझे देखना है और प्रॉपर मैनेज करना है, और आपके हिसाब से जब भी अप्लाई करना रहेगा तो मैं एक तो आपके थ्रू ही मुझे करना रहेगा, बट नहीं कोई जरूरी नहीं है, अपने आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मुझे सर। और ये सर ये जो रिफ्यूजल का मेंशन कहाँ पे करना रहेगा पॉइंट? रिफ्यूजल का क्या करें? जो पहला रिफ्यूजल है मेरा वो पॉइंट मेंशन कहाँ पे करना रहेगा? जो आप एप्लीकेशन भरते हो, जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है 1295, उसके जो आखिरी पेज पे जहाँ पर वो सेकंड लास्ट पेज पे, जहाँ आखिरी पेज पे तो साइन करते हैं आप, उस पे सेकंड लास्ट पेज में जब वो एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हैव यू बीन रिफ्यूज्ड एवर फॉर एनी कंट्री इंक्लूडिंग कनाडा, तो वहाँ पर अगर आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि येस आई वॉज रिफ्यूज फॉर कनाडा फलानी फलानी डेट को जो आप, तो उसमें वहाँ लिखना पड़ेगा आपको। और सर कवर लेटर, एक कवर लेटर का बेन अभी मतलब बहुत जगह पे देखा कवर लेटर के बारे में, तो राइट नो कवर लेटर का सर कैसे क्या करूँगी जिसमें लाइक नॉर्मल रहे, क्योंकि लास्ट टाइम जो इशू क्या मैम ने लिख के दिया था, उन्होंने लिख के दिया था कि दे हैव बीन रिसेंटली मैरिड एंड दे वांट टू एंजॉय क्रिसमस एंड समथिंग समथिंग, तो लेट देम अलाउ टू कम टू कनाडा। ये इस लेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता एंजॉय क्रिसमस और एंजॉय समथिंग एल्स। मैं रिकमेंड नहीं करता कि कवर लेटर किसी लॉयर से या कंसल्टेंट से लिखवाया जाए। जो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए प्यार की कस्में खा रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी शादी जेन्युइन है वगैरह वगैरह, तो वो अपने दिल से लिखें कि हमारी शादी कैसे हुई, कब हमें मिले, फिर कैसे रोमांस हुआ, फिर कैसे मैरिज हुआ। उसको हम एक कवर लेटर का एक बहाना लेके हम अपना रिलेशनशिप समझा सकते हैं कि हमारे रिलेशनशिप का ये बैकग्राउंड है, तो डैट कैन बी यूज एज अ कवर लेटर। और वो हस्बैंड वाइफ खुद ही लिख सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पता है। आप किसी लॉयर को बताओगे वो आपको लिखेगा हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। क्योंकि मैं बीच में लिखने के लिए चालू किया था कि तो मेरा पेज हो गया, तो मुझे पता भी नहीं था और कितना लिखना, मतलब लाइक काफी बड़ा हमारा स्टोरी है। ब्रदर जितना मर्जी आपकी लव स्टोरी है, आपको ज्यादा पता है, जितना उसमें आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आप शुरू से आप लिखना शुरू करोगे कैसे पहले लड़की से मिला है, फिर आप मिले, यू नो एक दूसरे से मिले, कैसे कैसे धीरे धीरे बात बढ़ी। तो इसमें आप यू कैन टेक अबाउट, आप अगर 5-10 पेजेस लिख लो, 10 पेजेस 50 पेज लिख दो, हु केयर्स। हमें जितना उसमें आप डिस्क्राइब करोगे उतना बेटर है आपके लिए। सर अगर 2 मिनट तो मेरी वाइफ आ गई है तो उसको भी ऐड कर दूं? जोड़ दो, कर इसी स्काइप पे अगर जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। एक सेकंड सर मैं ट्राई करता हूं। और सर मेरी वाइफ ने रिसेंटली आपका मैंने वीडियो देखा था, उसमें उसके थ्रू मैंने IRCC में मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। उन्होंने मेल भेजा कि अबाउट द ये अपडेशन ऑफ मैरिज। वो चलो ठीक है। वाइफ आपकी जुड़ गई है लाइन पे, स्काइप पे जुड़ी है कि नहीं? वही जोड़ रहा हूं मैं। हेलो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ सर मैं ऐड किया, अभी ऐड हो रही है। हेलो सर जी। हेलो हेलो कैसे हैं? बस आप बताएं कहाँ पर, कौन शहर में आप? सर अभी कैमलूप्स में हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया। क्या बात है, अच्छा। तो अभी आप सो के उठे हैं लगता है अभी? हाँ सर, बात करते करते लेट हो जाता। तो दोपहर के डेढ़ बजे हैं। क्या काम चल रहा है वहाँ पर कि बंद हो गया काम? नहीं पाजी, काम तो कब से बंद ही हो गया यहाँ पे। कहाँ काम करते थे? सनपीच रिसोर्ट। अच्छा। तो आपके पास क्या अभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं? जी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। नेक्स्ट वीक क्लास है, फिर उसके बाद छुट्टी है एक हफ्ते की। आपके हस्बैंड ने काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप इनसे क्वेश्चंस का जवाब देने, मैं इनको जवाब दे चुका हूँ। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मुझे सिर्फ ये जानना था कि मैंने ना यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट किया था वाया ईमेल और सब प्रूफ किया, बट मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया उस चीज का। यहाँ पे रिप्लाई नहीं आता, रिप्लाई करने का उनको टाइम नहीं है। और रिप्लाई का उसको वेट करने का भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है। आपने जो 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 उनको किया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप उसको सेव कर लें और अगली एप्लीकेशन में लगा दें एज अ प्रूफ कि मैंने आपको डेट कर लिया, दैट इज इनफ फॉर नाउ। ओके ठीक है, बस वही आई थिंक पूछना था, बाकी तो आई थिंक इन्होंने पूछ लिया होगा सब। हाँ जी। और सर इसमें सर ये जो अपना क्या बोलते अपना होम टाई के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? होम टाइज के लिए जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आपकी जो बिजनेस है, दैट इज़ द बेस्ट प्रूफ ऑफ टाइज टू कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो आपका अगर कोई आपने कोई कंपनी बनाई है, आपका कोई लाइसेंस है, जो बिजनेस करते हैं बिजनेस का कोई प्रूफ है, आपकी जो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है, आपके जो ITR है, दिस इज द प्रूफ दैट यू कैन अटैच। तो जॉब का तो मेरे पास है प्रूफ, और बाकी बिजनेस एज अ फ्रीलांसर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका कुछ नहीं है। हाँ, जो कुछ है वो लगाओ बॉस, क्या कह सकते हैं, जो कुछ आपके पास है वो ही लगाओ। और तो कुछ मैं तो आपको बता सकता हूँ कि दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द वीज़ा ऑफिसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जो नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी अगर किसी के पास, हम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इट मे नॉट बी फॉर यू, अगर कोई नौकरी करता है और उसको सैलरी मिल रही है तो उसका जो जॉब लेटर, उसकी जो सैलरी स्लिप्स और ITR, दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स आर द बेस्ट प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया कि दिस इज माय टाइज टू द कंट्री। कई लोग मेरे से कहते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी दिखाएं, तो मैं कहा कि प्रॉपर्टी से कभी किसी को वीज़ा नहीं मिला, या मैं हम कोई बहुत बड़ी FD दिखा दें, उससे भी कभी ऐसा नहीं मिलता। तो बेस्ट प्रूफ ऑफ टाइज टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज योर प्रूफ ऑफ इनकम, चाहे बिजनेस से आ रही है या नौकरी से आई है, जो उसके आप प्रूफ दिखाएंगे, दैट इज द ओनली टाइज यू कैन शो। ओके। और तो सर मुझे भी इसमें हम लोग को ये पूरा मैरिज का दिखाना है, और मेरी वाइफ का वहाँ का एजुकेशन, ये सब का प्रूफ दिखाना है, मेरा इनकम का दिखाना है, और बस एक कवर लेटर हम दोनों को खुद का बना के रखना है, और right. बस इतना ही करना है। और सर ये अप्लाई करने के लिए तो ऑलमोस्ट आप कब तक का सजेस्ट करते हैं सर? क्योंकि राइट नाउ मैं अकाउंट का बैलेंस का ही इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, जैसे आपके जो बैंक अकाउंट या प्रूफ ऑफ इनकम जब भी सही होते हैं, और अगर ये कोरोना वायरस नहीं खुलता है तब तक, लेट्स से आफ्टर मंथ और 2, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर देना, एटलीस्ट आपकी जो एप्लीकेशन सिस्टम में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप ये कोरोना वायरस के हटने का वेट करोगे तो हु नोस, और तब तक हो सकता है कि 2-3 महीने बाद एकदम से भीड़ हो जाए उसमें एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अपने आप ही जमा कर सकते हो, एंड जस्ट वेट एंड वॉच कि कब खुलता है। ओके। क्योंकि मुझे सिर्फ मेडिकल देना रहेगा, बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी मेरा दिया हुआ ही है, मुझे बायोमेट्रिक्स की जरूरत नहीं रहेगी। गुड। तो अभी तो वही सब देख रहे हैं सर, लेट्स सी। और माइट भी आपके कुछ और बस इतना ही सजेशन लगाना सर। जितना आपने बताया उतना ही उसके मुताबिक यही लगना है, और कोई खास नहीं। तो फोटोज का मैंने देखा, फोटोज कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, और फोटोज ऐड करना रहेगा तो इसमें फोटोज जितनी भी मैं एप्लीकेशंस लगाता हूँ, जितनी भी एप्लीकेशन लगाई है मेरा हमेशा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटो लगे। मेरे को याद है कुछ एप्लीकेशन मैंने लगाई हैं उसमें मैंने 2000 फोटोज भी मैंने लगाई हुई हैं, शादी से पहले की और शादी के बाद की भी। तो उसमें तरीका ये होता है, उसको स्क्वीज करना पड़ता है, क्योंकि 4 MB का एक स्पेस का लिमिटेशन है। तो उसको हमें फोटोज को हम कंप्रेस करते हैं सॉफ्टवेयर से, तो जितना भी कंप्रेस कर सकते हैं करेंगे। और उसके अलावा एक पेज पे छोटी छोटी फोटोज को बना देते हैं, 6 फोटोज लगा देते हैं एक पेज पे। तो जरूरी नहीं कि पूरी फोटो चाहिए, अगर छोटे छोटा फोटोज में दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन है, कहाँ पर क्या डेट है वगैरह। हर एक फोटो के नीचे मैं लिखता भी हूँ कि इस फोटो में ये हो रहा है, इस फोटो में ये सेरेमनी हो रही है, या हनीमून गए हैं वगैरह, तो वो दिखता है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये इट टेक्स सम टाइम एंड एफर्ट। तो जितने भी हो सकती हैं वो आप इसमें करें। बाकी अगर आपकी जितनी भी फोटोज है, अगर लेट्स से कि किसी के पास 1000-2000 फोटोज हैं और एक फोल्डर में नहीं अपडेट होती, देन आई हैव टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट फोल्डर्स। सो तब मैं रखे करता हूँ। ओके। बाकी आप इसी को देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को तैयार करने में और सबमिट करने में कितना टाइम और मेहनत लगता है। लोग सोचते हैं कि काम ऐसे ही चलते फिरते हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बट इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। And I know many immigration lawyers in Canada, they don't take much interest in it. टिपिकली जो इमिग्रेशन लॉयर्स जो कनाडा में हैं, आपकी वाइफ को पता होगा अगर आपने इमिग्रेशन लॉयर्स को कांटेक्ट किया है, इमिग्रेशन लॉयर्स के नीचे एक दो असिस्टेंट होते हैं और वो इमिग्रेशन लॉयर्स खुद भी अपना केस वो देखते नहीं है, असिस्टेंट से करवा लेते हैं और वो सबमिट कर जाते हैं, होया होया नहीं होया, यू नो दे डोंट हैव टाइम, दे हैव बिगर एप्लीकेशंस टू वरी अबाउट देन स्पाउस वीज़ा, सो वो करते हैं। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, मैं सारी एप्लीकेशंस मैं खुद करता हूँ या मेरे पास असिस्टेंट हैं, एक इंडिया में और एक यहाँ पर, तो मेरे खास बंदे हैं वो खुद करते हैं हम लोग, तो हम लोग सिर्फ स्पाउस वीज़ा में ही डील करते हैं, मैं और कोई एप्लीकेशन नहीं करता हूँ, इवन दो आई कैन डू अदर एप्लीकेशंस बट वी जस्ट फोकस ऑन मैरिज बेस्ड एप्लीकेशंस, स्पाउस वीज़ा और पीआर वाली एप्लीकेशंस। ओके, तो वही सर, क्योंकि मेरा जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के एरर की वजह से मेरा पूरा ये हुआ, हम लोग का रिजेक्शन हुआ, तो प्रूफ हमारे पास ऑलमोस्ट सब चीज़ का है सर। मेरे पास एक्चुअली हमारा एक ये है, हमारा लाइक 2013 का वी हैव अ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एनजीओ है जो हमारा स्पोर्ट्स का है, तो इसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ दोनों हैं, तो वो भी अटैच कर सकते हैं, कर दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें हम लोग ने एज अ ट्रेजरर मैं सेक्रेटरी हूँ, बट हम लोग ने उसको एज अ ऑपरेटिव अभी तक एज अ बैंक अकाउंट अभी रिसेंटली बनाया, तो ज़्यादा इतना ऑपरेटिव नहीं था, बट वी हैव बीन लाइक उसको हम लोग ने काफ़ी टाइम पहले ही रजिस्टर किया था, तो सब डाल सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मेरे पास वही गवर्नमेंट प्रूफ रहेगा, और हम लोग ने नाम चेंज नहीं, एज अ सर नेम चेंज नहीं किया है, सब कुछ ऐसी चीज़ है ना हमारे पास। ऐसा अभी रिसेंटली मैंने अपना खुद का मेडिकल निकाला था जिसमें एज अ नॉमिनी मेरी वाइफ है, और बस वो तो मेडिकल लाइफ है और ये दोनों, तो उसमें नॉमिनी मेरी वाइफ है, बस इतना ही है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं आपको थोड़ा सा समरी आपको बता दूं कि स्पेशली जो लव मैरिजेस हैं उसमें, लव मैरिजेस में जो वीज़ा ऑफिस जो है वो क्या देख रहा है कि लव मैरिज इनकी कैसे हुई, कैसे एक दूसरे से मिले, उस वक़्त क्या हालात थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये लव लड़की ऐसा तो नहीं कि लड़की के पास पहले स्टडी वीज़ा आ गया था तब ये लव शुरू हुआ, उससे पहले कैसे हुआ, तो ये सब वो देखते हैं, उसका प्रूफ देखना है। शादी अगर जैसे अगर फैमिली के साथ सपोर्ट से हुई है तो फैमिली मेंबर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे वो हम जरूर देखते हैं, और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, सर्कमस्टांसेस क्या थे, सेरेमनी हुई है कि कोर्ट मैरिज हुई है वो देखते हैं हम, कितने लोग ने अटेंड किया, कौन विटनेस हैं अगर कोर्ट मैरिज हुई है। उसके बाद शादी हो गई तो शादी के बाद लड़की लड़के के परिवार में, ससुराल में अपने वो कितना टाइम रही है, उसका क्या बिहेवियर रहा है, मतलब कि इन लॉज के जो अपने साथ उनके घुल मिल के रही है, और क्या प्रूफ ऑफ एक्टिविटी है, क्या उन्होंने जॉइंट किया, ये हम देखते हैं। हनीमून हुआ है तो हनीमून का प्रूफ चाहिए हमें, आइटनरी वाला फोटोग्राफ्स वो चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्यों नहीं हुआ उसके एवज में क्या हुआ, कहीं घूमने गए तो उसके प्रूफ चाहिए। ये सब हम शुरू से लेकर फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ मीटिंग टिल द एंड टिल शी वेंट टू कनाडा वो हम देखते हैं। कनाडा पहुंचने के बाद उसका बिहेवियर, हस्बैंड वाइफ का कैसा कांटेक्ट रहा है, क्या रहा है, कैसे एक दूसरे को लीगली, फिनेंशियली, मॉरली, वाया कम्युनिकेशन कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये सारा हम देखते हैं। ये सारे अगर प्रूफ हमें नज़र आ गए और हमें कन्विंस हो गया कि हाँ ये वाकई हो रहे हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दे विल गिव यू द स्पाउस वीज़ा इमीडिएटली। नहीं है तो इमीडिएटली वो 205C2 का एक सेक्शन लगा के आपको रिफ्यूज कर देंगे। वही सेक्शन सर मुझे लगाया हुआ था पहले में, एंड ये सर तो अभी जैसे 3000 मैंने फंड दिखाया था पहले वाले में, $3000 कैनेडियन डॉलर्स, तो वही अभी उसको अच्छी देखते हैं, तो वो देखना है मुझे, फंडिंग का देखना रहेगा, और बस यही करना है। या मैं एक्चुअली मैं आशा करता हूँ एक्चुअली जितने भी जो लव मैरिजेस वाले हैं, जो जोड़े हैं, जो आज की डेट में जिन्होंने लवी वीज़ा नहीं लगाया और सोच रहे हैं कि वाइफ को भेजना या हस्बैंड पहले जा रहे हैं समथिंग, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग की तैयारी होती नहीं है इस पूरी एप्लीकेशन के लिए। कम से कम 6 महीने से पहले तैयारी हम लोग को करनी चाहिए, तब जाके वीज़ा के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। हम लोग झटके में जल्दी में कहते हैं कि जी वाइफ चली गई, जी मैं आप कर दूं, जो है कर दिया, शायद लग जाए नहीं लग जाए, तो वी टेक इट एज अ चांस, एज अ लॉटरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी हमारी जो न्यू दिल्ली में जो वीज़ा अप्रूवल रेट है स्पाउस वीज़ा के, विच इज़ आई थिंक क्लोज टू अबाउट, आई वुड से अबाउट लेस देन 45% और नॉट मोर देन 50%, मतलब कि 10 10 out of 10 applications, 5 visa application will be denied, if not more. So हम लोग प्लानिंग करके नहीं करते हैं. अगर कोई आज कोई अपने रिलेशनशिप में है, कोई आज चल रहा है और सोच रहे हैं कि कल को हम शादी करेंगे, फिर वाइफ को भेजेंगे वहाँ पर, तो इसके लिए हस्बैंड वाइफ को दोनों को पहले से प्लान करके चलना चाहिए, जिससे कि आगे के डॉक्यूमेंटेशन में उन्हें प्रॉब्लम ना हो. सर, पढ़ाई का पक्का था, शादी का तो शादी बाय गॉड ग्रेस ऐसा लाइक घर पे बोले और हो गया, वो वाला सीन हुआ था ना, तो फिर वो था. उसके बाद लाइक पता नहीं, बट मेन तो सर मेरा यही क्वेश्चन आता है कि सपोज अ पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड एंड हाउ वीजा के लिए इतना इशू क्यों करते हैं? आपकी आवाज मेरे क्लियर नहीं, दोबारा से सवाल पूछे. आई एम सॉरी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. सपोज मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग टू गेट मैरिड एनी हाउ, कैसे भी किसी को शादी करनी है सबको, तो ये वीजा के लिए इतने इश्यू कैसे हो रहे हैं? मतलब कैसे? और जब कोई बोलता है जेन्युइननेस दिखाने के लिए, तो जब प्रॉपर है तो एटलीस्ट आप रिजेक्शन से पहले एक बार पूछ भी सकते हो कि भाई आपने कैसे क्या कर, जैसे मेरा रिजेक्शन जैसे आ गया तो वैसे लाइक दिस इज फॉर उसके बारे में. ठीक है, उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट लेके थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ. क्या होता है कि कनाडा में, जैसे आपकी वाइफ अगर आपको बता सकती हैं, कनाडा में मैरिज फ्रॉड का जो इमिग्रेशन के जो मैरिज फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और पिछले कई साल से यहाँ पर इमिग्रेशन जो मैरिज फ्रॉड को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं कि मैरिज फ्रॉड को कम करा जाए, उसको पकड़ के उसको रिजेक्ट किया जाए. और जो सारी दुनिया के जो कनाडा इमिग्रेशन का जो जहाँ फ्रॉड है, उसमें मैरिज फ्रॉड इज द टॉप. और जो मैरिज फ्रॉड के जो केसेस हैं उसमें इंडिया इज नंबर 1. जो कनाडा के जो मैरिज फ्रॉड इमिग्रेशन और वीजा रिलेटेड जो केसेस हैं उसमें इंडिया इज नंबर 1. आई एम श्योर कुछ और कंट्री, पर इंडिया हैज बीन नंबर 1 इन फॉर मेनी इयर्स. सो जितने भी शादी के केसेस होते हैं, जिससे शादी के बेस पे वीजा लगते हैं, उसमें एक खास उनकी एक स्क्रूटनी होती है कि इसको चेक करें कि लड़के ने लड़की के साथ शादी क्यों करी, क्या पता शायद वीज़ा के लिए कर ली हो, तो इसलिए उसको चेक करने के लिए काफ़ी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन रखी है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक. और जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू उनकी तसल्ली नहीं करा सकता तो आपको रिजेक्ट कर देंगे. तो पहली बात तो ये समझने वाली बात है. दूसरा ये है कि अगर उनको कोई शक होता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीज़, इंटरव्यू बुला के वहीं पर वो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि ये है. और तीसरी बात यह है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि जेन्युइन मैरिज का मतलब क्या है. आपने लड़की से शादी कर ली, आप सोच रहे हैं कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरी मैरिज सच्ची है, ठीक है, लेकिन जो आपकी डेफिनेशन है वो एक वीज़ा ऑफिसर की डेफिनेशन नहीं हो सकती. वीज़ा ऑफिसर जो जेन्युइननेस को असेस कर रहा है वो किसी और स्टैंडर्ड से कर रहा है, आप किसी और तरीके से सोच रहे हो. तो जब तक आपको उनके एक व्यू पॉइंट को पता नहीं है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर जाओगे. फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर ये बोलता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हस्बैंड को वाइफ के बारे में सब कुछ पता है, पता है या नहीं है, अगर होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो डैट मीन्स मैं मानता हूँ कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है और मैं आपको वीज़ा नहीं दूंगा. अगर मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया और आपसे पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ रहती है, क्या एड्रेस है, क्या काम करती है, कहाँ पर पढ़ती है, बस से जाती है, गाड़ी से जाती है, कौन सी जगह उसमें जो ग्रोसरीज कहाँ से लेती है, क्या उसको पसंद है, कितना टेम्परेचर है वहाँ पर, कितना किराया देती है, तो हो सकता है कि बहुत लोगों को अपनी वाइफ के बारे में इतना पता ना हो. एक तरफ हम कहते हैं कि हम चैटिंग कर रहे हैं रोज, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं है. अगर इतनी नॉलेज आपके पास नहीं है वाइफ के बारे में, तो मैं आपको सीधे सीधे मना कर दूंगा कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है. तो ये हमें भी शौक लग जाता है कि हमें वाइफ के बारे में इतना पता क्यों होना चाहिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पता होना चाहिए. ये बात है बस. ओके सर, ठीक है. तो मैं सर, हम लोग अब अपना कवर लेटर बनाते, बाकी सब बनाते, और माइट भी अगर आप अलाउ करें तो हम लोग बनाने के बाद एक बार आपको फॉरवर्ड करें, एक बार रीचेक करने के लिए. अगर अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी आप ऐसा करें कि अपनी एप्लीकेशन, ये सब डिस्कशन के बाद अपनी एप्लीकेशन अपने आप तैयार करके अपने आप ही अप्लाई करें, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपको वीज़ा मिलेगा. और बाय चांस अगर फॉर व्हाटएवर रीज़न, जो लॉयर है ना वो बोल रही मैं फिर से अप्लाई कर सकती हूँ, एंड लाइक इट विल बी कि जैसे जो नॉर्मल हम लोग का वीज़ा एप्लीकेशन चार्ज है वही भरना रहेगा. देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि दिस इज अ बिजनेस। जैसे कि आप अपना स्पोर्ट्स का फिटनेस करके आपने पैसे कमाते हैं, वैसे भी इमिग्रेशन लॉयर्स एप्लीकेशन करके पैसे कमाते हैं। तो इमिग्रेशन लॉयर्स ने तो ये कहना ही कहना है कि हम मैं दोबारा कर दूंगा या एक बार और कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम करें और उससे उनको और ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि इमिग्रेशन लॉयर से पहले क्लाइंट को पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें नॉलेज कितनी है इसके बारे में। तो हमें क्लाइंट को जाके इमिग्रेशन लॉयर से उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। मैंने इस बारे में कई वीडियोस भी बनाए हैं कि चार सवाल हैं आपको इमिग्रेशन लॉयर से पूछना चाहिए कि इमिग्रेशन लॉयर के आपने इस तरह के स्पाउस वीजा केस पिछले साल में कितने करे हैं। नंबर वन, एक तो ये सवाल पूछना चाहिए। दूसरा, आपका अप्रूवल रेट सक्सेस रेट कितना रहा है। तीसरा, आपकी जो पॉलिसी है अगर रिफ्यूज़ल होती है तो आप रिफ्यूज़ल के बारे में कैसे एनालिसिस करते हो। सिर्फ ये कह देना कि हम दोबारा कर लेंगे कोशिश, वो डैट इज़ नॉट इनफ। और चौथा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर रिफ्यूज़ हो गया तो हमारे जो पैसे हैं उसका क्या होगा। आपने रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम इसी में दोबारा करेंगे और या तो पैसे वापस करेंगे, इसके बारे में क्या है। तो ये चार सवाल आप इमिग्रेशन लॉयर से पहले पूछें और फिर डिसाइड करना चाहिए कि इमिग्रेशन लॉयर कौन सा आपकी सिचुएशन के लिए बेस्ट है। मैं तो ये देखता हूँ कि कई इमिग्रेशन लॉयर्स के पास टाइम ही नहीं है क्लाइंट से बात करने का, और अपने नीचे जो असिस्टेंट होते हैं असिस्टेंट से बाहरी बार बात करके एप्लीकेशन लेके पैसे लेके वो वहाँ से उसको रफा दफा कर देते हैं। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि पैसे लेने के तक समय तो हम सामने हैं, लेकिन काम करने के टाइम हम लोग उसके पास वो नहीं करते। और उसके बाद जब आप इमिग्रेशन लॉयर को कॉल करो, वो 99.9% ये होता है कनाडा में कि आपकी कॉल जाती है असिस्टेंट के पास या तो वॉइसमेल जाती है। आप वॉइसमेल छोड़ो, पता नहीं उनको कॉल बैक करेंगे नहीं करेंगे। तो आपसे आप तो पैसे ऐसे ही होता है ना? नहीं सर, अभी तो जब तक मैंने जिनके यहाँ से कॉल किया तो उन्होंने बोला तो वही प्राइस में वो कर देंगे, और उन्होंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की भी बात की कि क्या क्या करना हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मेरे फ्रेंड है, he had applied through that when he came. Her husband was back in India with his son, so that's how I got to know about this. And she told me that some additional documents, but that's what she suggested, that to wait for a month or two, not to apply immediately right now. But otherwise, I don't think that. I'm sure that there are a lot of immigration lawyers who have been doing fraud and all, but I don't think she is one of them. Because नहीं तो फिर वो सेम प्राइस में नहीं करती। Secondly, and then she told me the additional documents that we need, that included the photographs and everything. And she herself was surprised क्योंकि उन्होंने यही बोला कि वो spouse visas वही प्रोसेस से करते हैं जो इतने टाइम से कर रहे हैं। But I don't know, maybe the rules got stricter and something else. Yeah, so they better know then कि the rules got stricter. Why did the case got refused anyway if they knew the rules? और मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने आपको बताया है कि हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर हम अप्लाई करेंगे, सो व्हाई इज योर हस्बैंड नॉट सेटिस्फाइड, व्हाई इज योर हस्बैंड नॉट सेटिस्फाइड विद द इमिग्रेशन लॉयर, व्हाई इज ही लुकिंग फॉर अदर कंसल्टेंट्स? Because sir, the thing was that even we have applied for the things na, so I had already asked her ki मैम डू वी नीड फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, तो शी जस्ट टोल्ड अस कि ना वी जस्ट नीड अ सर्टिफिकेट, बस उतना ही बहुत है। एंड फॉर द फंडिंग एंड ऑल शी टोल्ड मी दैट कि 3000 तक बहुत रहेगा आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो फंडिंग है तो आई नो कि फंडिंग इतना कंपलसरी नहीं है एज अ स्पाउस वीज़ा में, बट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग आई वाज लाइक कि थोड़ा लिटिल बिट डाइसी की उसमें मेरा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मैरिज सर्टिफिकेट एज अ या बहरहाल देखो कि ये जितना उनको डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए वो पहली बार में उन्होंने क्यों नहीं लगाया, सवाल तो ये मेरा। और रिफ्यूजल के बाद सर उनका रीज़न यही था रिफ्यूजल के बाद कि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि आप अभी मत लगाओ ना तो फिर आपका रिफ्यूज हो जाएगा केस, जबकि जब लगाने के टाइम था तब उन्होंने बोला कि हाँ लगा सकते हैं अभी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने शी गिव एज अ स्पेसिफिक टाइम लाइक अब अभी रिफ्यूजल के बाद अभी मत लगाओ, अब आप फेब में लगाओ मार्च में लगाओ, ऐसा उन्होंने टाइम दिया था। मैंने ठीक है चलेगा, बट ऐसा मुझे पता कि अगर पेपर वर्क प्रॉपर है तो वी कैन पुट इट लाइक वी कैन अप्लाई यहाँ कभी भी अप्लाई। सो वो सब चीज़ था जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा था, बाकी तो चीज़ उन्होंने जो पेपर ठीक है पर कोई बात नहीं, सबमिशन करने दे, कोशिश उन्हें आप लगाएं दोबारा। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जितना आपने पूछा उतना मैंने बता दिया, आप करें कोशिश अपने आप करें। लेटर सबमिट ऑन ए ओन, अगर अगर नहीं लगता तो देन ऑफ कोर्स विल टेक अ लुक, फ्रेश लुक, और फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, चलेगा सर। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं? कुछ और कुछ क्यों नहीं सर? बस नहीं, क्या आवाज कट रही है कुछ? अच्छा, बस इतना ही है मेरा। अच्छा सर, मैं सोचा जैसे जॉब है, मैं तीन चार जॉब दिखाता हूँ एट द टाइम। जितने भी जॉब आप करते हैं वो सारे दिखाएं, जो सच है, जो सच्चाई है वो दिखाएं। जितने भी जॉब कर रहे हैं सारे दिखाएं आप। सर सच्चाई ऐसा है कि मैं सर फ्रीलांसिंग में मैं सर वर्कशॉप ये सब लेता हूँ, फिर बाकी ऐसा मेरा वीकली ट्रेनिंग रहता है, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन। मेरा एक ही प्रिंसिपल है इसमें, जो सच्चाई है वो दिखानी चाहिए। अगर आप जितने भी जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ से भी आपको इनकम सर वही रहेगा। कि मेरा जॉब का सर आवाज कट रही है ब्रदर, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। सर मैं जॉब का सार, मेरे जितने भी जॉब है सब जेन्युइन है, मैं सब दिखा सकता हूँ, बट मेरा इनकम है मोस्टली कैश में। There must be some receipt that he must be issuing, and what about proof? So most of the time hum log hello. There's a problem in the data connection somewhere, which I don't know from the New Delhi side or from the wife side. There's a problem. Do you understand my answer? Yes. Yeah, sir, I understand. अच्छा सर, कोई हेलो? यस हेलो, हाँ सर। सो ऐसे सर हमारे यहाँ पे रिसीव का ऐसा कुछ है नहीं। या आई डोंट नो ब्रदर, यू हैव टू गिव देम द नेम्स ऑफ द क्लाइंट्स एट लीस्ट हु पेड यू द मनी। I can give the name of the clients, I can give the sources of fund, कहाँ से आए हैं ये सब दे सकता हूँ। I can give my certification as well कि मैं क्या क्या certified हूँ और क्या क्या करता हूँ, and this all things I can give, and the sources of fund I can show ये यहाँ से आए हुए हैं, the previous payment pending, and these are the things which I can show. Yeah. And what are the amounts which my wife should show in her account? Whatever she has, I mean, if she's working, she has to show whatever the income that she's generating. तो उसके अलावा तो और कोई इनका सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। जो पार्ट टाइम काम कर रही है वही होगा। नहीं अभी कुछ। हाँ ओके, ठीक है सर, चलेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।